हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल में। आज के ट्यूटोरियल में हम बताने जा रहे हैं हाउ टू ऐड दिस इफेक्ट इन योर आफ्टर इफेक्ट्स। तो हमने AE में दो फाइल्स डाल ली हैं ऑलरेडी, दो क्लिप्स डाल रखी हैं। तो एक है अपना नाइफ वाला, उसको अभी स्लो कर रखा है मैंने, एंड एक है हमारा जो ऑपरेटर का है, मतलब सेकंड क्लिप है, उसको भी मैंने स्लो डाउन कर रखा है। एंड अभी क्या करेंगे हम करेंगे इसको मास्किंग, ठीक है। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग वाले पार्ट पे एक कंट्रोल सिर्फ डी करना है जिसकी वजह से वो कट लग जाए, एंड एक यहाँ पे करना है। मैं इसको बाद में करूँगा, बाकी अभी मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। नाइफ स्टार्ट पर अपने को की फ्रेम बनाना है। मेक श्योर अभी जो मैं की फ्रेम बना रहा हूँ वो स्क्वायरिश टाइप है, जो जो वाइट पोर्शन दिख रहा है मैं वहाँ वहाँ पर मार रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एम दबाना एंड ऐड की जगह इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना, एंड मास्क पाथ पे एक की फ्रेम बना देना ताकि एक साइड बाय साइड अपना दिखता रहे। सो यहाँ पे मैंने मास्क इसको कर लिया है, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ मैंने इसको मास्क ऐसे दे रखा है। दस इसको ऐसे कंट्रोल शिफ्ट डी कर दो, बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अभी कैसे क्या करना है वो समय बता दूंगा। मास्क पे ऐसे क्लिक करना, फिर से एम दबाना, मास्क फेदर को कर देना 5/10 करके देखते हैं। मास्क फेदर को कर दो 10, एंड इसमें एक दे दो मोशन ब्लर, ठीक है। उसमें भी हम देंगे वैसे, दोनों में मोशन ब्लर ऐड कर देना दोनों फाइल में, ताकि थोड़ा सा फ्लो में लगे। तो अपना ट्रांजिशन तो ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको नीचे। जस्ट इस ट्रांजिशन में एक मस्त चीज़ ऐड करेंगे जिसका नाम है सेबर प्लगइन। सो सेबर प्लगइन ऐड करो, देन इधर प्रीसेट्स में जाओ, इधर फायर सेलेक्ट करो, कस्टमाइज स्कोर पे जाओ एंड कस्टमाइज स्कोर को लेयर मास्क कर दो। देन उसके बाद आप देख रहे हो ब्लैक पार्ट अभी भी है, जस्ट गो विथ रेंडर सेटिंग्स एंड इधर ब्लैक कॉम्पोजिट सेटिंग को ब्लैक की जगह ट्रांसपेरेंट फिर ऐड कर दो ट्रांसपेरेंट की जगह ऐड कर दो। सो ये अपना बन चुका है फायर इफेक्ट। एंड कलर आप जोन सा मर्जी देना चाहते हो, कलर मैं इसका सेम दूंगा, कलर पर्पल दूंगा। तो ये अपना बन चुका है ऐसा कुछ। एंड रुको, इसको अभी डिलीट मत करो, एंड इस ये पूरे उसमें दिखना चाहिए ना। तो देन अब सेबर डालने के बाद इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर दो। देन अब क्या करेंगे हम इसका एक वो बना लेंगे। इतना तो चलो अपना हो गया कि हाँ चलो नाइफ कट हुआ, ठीक है, स्क्रीन कट हुआ। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे एक इसको प्री कंपोज कर देंगे, ठीक है, एंड इसका एक वो बना लेंगे, रफ मास्क बना लेंगे। कैसे मैं वो बताता हूँ, जस्ट क्लिक हियर, ऐसा दिखाना है, बाद में करते हैं वो उसको। जैसे इसके बीच में से ऐसे लेके जाना है आपको, ठीक है, कहीं भी एजेस में नहीं टच होनी चाहिए, सीधा ऐसे लेके जाओ ऐसे एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दूंगा। देन इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है, एंड नीचे वाले लेयर पे इन्वर्ट कर दो, ठीक है। आपको दो फाइल मिल चुकी है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, एंड आप इसमें अप एंड डाउन वाला की फ्रेम दे सकते हो। जस्ट प्रेस पोजिशन दोनों में, ठीक है, एंड दोनों में पोजिशन के स्टार्टिंग में तो सेम वो रहेगा। देन लास्ट के एक फ्रेम पहले अपन क्या करेंगे ऊपर वाले को और ऊपर पहुंचा दो, ठीक है, एंड नीचे वाले को और नीचे पहुंचा दो, ठीक है। इन दोनों में F9 दबाओ एंड इनका तुम वो बना सकते हो, क्या बोलते हैं, की फ्रेम बना के ग्राफ बना सकते हो। बाकी ग्राफ ना भी बनाओगे तब भी चलेगा, जस्ट इनमें ये दे देना, मोशन ब्लर ऐड कर देना एंड आपका मोंटाज का ट्रांजिशन तैयार। ऐड सम साउंड इफेक्ट्स एंड ऐड सम कलर ग्रेडिंग, आपका ये वीडियो और प्यारी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।